Hello students, how are you? Today's topic is joint Hindu family business. बेटा हिंदू जो संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय है, आज बेटा हमारा टॉपिक ये है joint Hindu family business. इस business की बेटा quotation है, centralized management is the main feature of ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. बेटा इसकी प्रबंधकीय लेवल की जो क्षमता है वो एक ही हाथ में केंद्रित होती है. तो सेंट्रलाइज्ड लेवल की मैनेजमेंट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की एक मेन क्वालिटी है. और जो ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है बेटा, ये परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसके हाथ में होती है. अब ये बिजनेस है क्या? इस बिजनेस को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, संयुक्त हिंदू परिवार क्या होते हैं. अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस हुज एंसेस्टर इज द सेम. बेटा संयुक्त हिंदू परिवार वो परिवार होते हैं जिनमें परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनके पूर्वज सेम होते हैं, उनके पूर्वज सेम होते हैं. तो एक ऐसे परिवार के लोग जिनके पूर्वज सेम होते हैं वो फैमिली बेटा ज्वाइंट हिंदू फैमिली में रोल प्ले करती है. अंडर इट अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइफ्स आर आल्सो इंक्लूडेड. इस फैमिली में अनमैरिड लड़कियां और घर की जो औरतें हैं वो इस परिवार में शामिल होती हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स. ये जो हिंदू परिवार है, ज्वाइंट हिंदू परिवार, दो तथ्यों पे आधारित है, जिसमें पहले फैक्ट का नाम है को पार्सनरी और दूसरा है बेटा कॉमन प्रॉपर्टी. को पार्सनरी होता है बेटा सहभागिता, कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब होता है मिली जुली संपत्ति. तो पहला फैक्ट जो हमारा को पार्सनरी है उसका मीनिंग है इट मीन्स अ कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. को पार्सनरी का मतलब है बाप दादा के जो परिवारों की हमारी जो संपत्ति है उस सारी संपत्ति पे सामूहिक रूप से हमारा स्वामित्व होता है. को पार्सनरी इज क्रिएटेड बाय लॉ. ये सहभागिता एक लॉ के अकॉर्डिंग बनती है एंड नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट. किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसे नहीं बनाया जाता, इसे लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है. अकॉर्डिंग टू इट An individual gets a right in ancestral property immediately after birth. बेटा joint हिंदू family में एक बच्चा पैदा होते ही इस ancestral level की property में हिस्सेदार बन जाता है, उसका पूरा right होता है उस संपत्ति में जैसे ही बच्चा पैदा होता है. That person is known as को पार्सनर. उन लोगों को पार्सनर का नाम देते हैं. दिस इंडिविजुअल कैन आल्सो आस्क फॉर अ डिवीज़न ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. ये को पार्सनर कभी भी एंसेस्ट्रल लेवल की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा ले सकते हैं, अपने हिस्से के बारे में मांग कर सकते हैं. तो ये तो बेटा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फैक्ट में पहला फैक्ट था हमारा को पार्सनरी. सेकंड हमारे फैक्ट है जिसका नाम है कॉमन प्रॉपर्टी. द कॉमन प्रॉपर्टी इंक्लूड, कॉमन प्रॉपर्टी में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है? सबसे पहले इसमें इंक्लूड करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को. पूर्वजों की जितनी भी संपत्ति है उसे इस कॉमन प्रॉपर्टी में ऐड किया जाता है. दूसरा, प्रॉपर्टी क्रिएटेड
with the help of the ancestral property. इस ancestral property को लगाने के बाद जो property और बढ़ी है उसे भी इस common property में add किया जाता है. तीसरा, personal property treated as the property of the family. बेटा personal level की भी जितनी भी property है वो property भी इस common property में add की जाती है. तो क्या क्या ऐड करते हैं? एंसेस्ट्रल लेवल की प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली. पर्सनल लेवल की प्रॉपर्टी को भी इस प्रॉपर्टी में ऐड किया जाता है. उसके बाद है बेटा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. बेटा हमारे हिंदुओं के लॉ के दो मेन स्कूल हैं. वो स्कूल क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ देयर आर टू कम्युनिटीज. हिंदू लॉ के स्कूल के अंदर बेटा हम दो समुदाय को ऐड करते हैं, दो कम्युनिटीज को लेकर चलते हैं. कंट्रोलिंग हिंदू फैमिलीज, जिसके ऊपर कंट्रोल हिंदू फैमिली का होता है. और वो दो स्कूल जो हैं उन स्कूलों में पहले स्कूल का नाम है मिताक्षरा और दूसरे स्कूल का नाम है दयाभाग. तो हम एक एक करके करेंगे. पहले हम मिताक्षरा के बारे में करेंगे कि मिताक्षरा क्या है. दिस कम्युनिटी इज पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा. बेटा मिताक्षरा वाला जो सिस्टम है ये बेटा आसाम को छोड़ दिया जाएगा, बंगाल को छोड़ दिया जाएगा और कुछ हिस्सा ओडिशा को छोड़ दिया जाएगा. बाकी सारे हिस्सों में ये मिताक्षरा कम्युनिटी के नियम लागू होते हैं. इन दिस कम्युनिटी द मोमेंट अ सन इज बोर्न ही गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स अलोंग विद हिज फादर. बेटा मिताक्षरा के स्कूल की कम्युनिटी में जैसे ही एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है, और बच्चे में भी लड़का, लड़के की बात हो रही है यहाँ, जैसे ही लड़का परिवार में जन्म लेता है उस जन्म लेने के बाद उस लड़के का अपने फादर की तरह प्रॉपर्टी में इक्वल लेवल का राइट होता है. किसमें? इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उन पूर्वजों की संपत्ति में. When he becomes an adult, जब वो बालिग बन जाता है, he can ask for a division of the family property. Adult बनने के बाद ही वो family की property के division के बारे में, बंटवारे के बारे में कह सकता है. Under this interest of the members are always uncertain. मिताक्षरा में मेंबर्स का हित हमेशा अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है. बिकॉज अ चेंज इज इन इनवाइटेबल विद एवरी बर्थ और डेथ इन द फैमिली. क्यों ये अनसर्टेन होता है? क्योंकि इसके ऊपर बर्थ और डेथ के चेंज का इम्पैक्ट आता है. तो ये बेटा स्कूल था हमारा हिंदू लॉ में, फैक्ट में पहला स्कूल था जो जिस कम्युनिटी में ये अप्लाई होता है. ये कम्युनिटी हमारी थी मिताक्षरा, ये पहला स्कूल था मिताक्षरा का. दूसरे स्कूल का नाम है दयाभाग. दिस कम्युनिटी प्रिवेल्स ओनली इन आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा. ये दयाभाग वाली कम्युनिटी आसाम में, बंगाल में और उड़ीसा के कुछ पार्ट पे अप्लाई होती है. अंडर इट अ सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी विद हिज बर्थ. इस दयाभाग में जैसे ही बेटा जन्म लेता है परिवार में, उसे परिवार की संपत्ति में किसी भी तरीके का कोई भी राइट नहीं होता. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी
remains under the absolute ownership of the father throughout his lifetime. Ancestral property पे जब तक father जिंदा है, father का ही जब तक वो जिंदा है उस property पे पूरा right होता है. उसके बेटे का इस ancestral property पे कोई भी right नहीं होता. A son gets a right in the property only after the death of the father. पिता की death के बाद ही बेटे का इस प्रॉपर्टी पर राइट होता है. पिता के जिंदा रहने पर बेटे का इस प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट नहीं होता. उसके बाद है बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ये है क्या? इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी अ बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया और कर्ता ऑफ द फैमिली. बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली के लोग इस बिजनेस को चलाते हैं और इस बिजनेस को चलाने में कंट्रोल करने की सारी एक्टिविटीज़ परिवार के मुखिया के पास या कर्ता के पास होती हैं. ये मुखिया और कर्ता कौन होता है? फैमिली का जो सबसे बुजुर्ग आदमी है, सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, वो मुखिया और कर्ता के रूप में इस बिजनेस पर एज अ हेड के रूप में रोल प्ले करता है. उसके बाद है बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फीचर्स क्या क्या हैं. पहले फीचर है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ. बेटा इस बिजनेस पर हिंदुओं के जो लॉ हैं, हिंदुओं के जो कानून बने हुए हैं, वो इस बिजनेस पे अप्लाई होते हैं. द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली आर डायरेक्टेड बाय दिस लॉ. इस लॉ के अकॉर्डिंग ही जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं वो इस बिजनेस पे अप्लाई होती हैं. इसका मतलब सारा का सारा बिजनेस हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट किया जाता है. उसके बाद है मैनेजमेंट बाय कर्ता. सारी की सारी मैनेजेरियल एक्टिविटी कर्ता के द्वारा की जाती हैं, मुखिया के द्वारा. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. इस बिजनेस को मैनेज फैमिली मेंबर्स के द्वारा किया जाता है. ही इज नोन एज कर्ता और मुखिया और मैनेजर. और वो जो मेंबर, जो बुजुर्ग आदमी है, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, जो इसकी मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ को करेगा, उसे हम कर्ता का नाम, मुखिया का नाम या मैनेजर का नाम देते हैं. द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू नॉट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस. मुखिया और मैनेजर या कर्ता के काम में, उसकी मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ में फैमिली के जो बाकी मेंबर हैं वो किसी भी तरीके की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते. इसका मतलब सारी की सारी मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ कर्ता के द्वारा की जाती हैं. उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर की लाइबिलिटी उनके शेयर तक लिमिटेड होती है, उनके शेयर तक लिमिटेड होती है. लेकिन बेटा जो करता है यहाँ पर, उसकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती हैं. उसके बाद है परमानेंट एग्जिस्टेंस. इस बिजनेस का एग्जिस्टेंस लेवल परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है. द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैमिली इज परमानेंट. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डेथ, इनसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस. इस बिजनेस पे किसी भी मेंबर की डेथ का, उसके जो है दिवालिया होने का और उसके जेल चले जाने का या कोई और घटना के घटित होने पे बिजनेस के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता.
क्योंकि मान लीजिए एक एल्डर मेंबर की, जो बुजुर्ग आदमी है जो करता था, उसकी डेथ हो जाती है, तो अगला नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता की जगह ले लेता है। तो इसके बिजनेस का एग्जिस्टेंस परमानेंट होता है। उसके बाद है मेंबरशिप बाय बर्थ। अ चाइल्ड गेट्स अ राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद हिज बर्थ। इस बिजनेस में पैदा होता बच्चा भी इस बिजनेस की प्रॉपर्टी में हकदार होता है, हिस्सेदार होता है, उसका पूरा राइट होता है। तो पैदा होते ही इस बिजनेस में उसकी मेंबरशिप अपने आप आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है ओनली मेल मेंबर्स। ओनली मेल मेंबर्स कैन बी द को पार्सनर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। वैसे तो इस बिजनेस में मेल मेंबर पार्टनर होते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर एक तथ्य है। वो तथ्य क्या है? अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अ विमेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ मेल सक्सेसर कैन बिकम द को पार्सनर ऑफ द फैमिली। बेटा हिंदुओं का सक्सेशन एक्ट 1956 कहता है कि परिवार में एक औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो भी इस बिजनेस में एज अ को पार्सनल रोल प्ले करती है, या जिस परिवार में उत्तराधिकारी के रूप में लड़के नहीं होते तो लड़कियां भी इस बिजनेस में एज अ को पार्सनर रोल प्ले करती हैं। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट है इसके रजिस्ट्रेशन का। देयर इज़ नो नीड टू कंप्लीट एनी फॉर्मेलिटी फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी नहीं है। ये बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मैंने फीचर्स करवाई हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मैंने मीनिंग करवाया है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमारे हिंदुओं के ला के दो स्कूल करवाए हैं, जो था मिताक्षरा और दया भाग। तो ये हमारा टॉपिक था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।